बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का यूनिट नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, ये एक पोइम है, तो चलो इस पोइम को रीड करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear, just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles wouldn't cease, but at night, late at night, the world is at peace. तो बच्चों, इस पोएम के जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। उन्होंने एक बच्चे को एक सलाह दी है कि रात को नहीं डरना चाहिए। तो शुरू करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, छोटे बच्चे कि रात को नहीं डरना चाहिए। अफ्रेड मीन्स डरना, डार्क मतलब कि जब रात हो जाती है, ठीक है ना, जब थोड़ी थोड़ी लाइट होती है और रात होना शुरू हो जाता है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जो धरती है उसने भी रेस्ट करनी होती है जब पूरा दिन खत्म हो जाता है। अर्थ मीन्स धरती, रेस्ट मीन्स आराम। द सन मस्ट बी हार्श, जो सूरज है वो कठोर हो सकता है, हार्श मीन्स कठोर। बट मूनलाइट नेवर, लेकिन जो चंद्रमा की रोशनी है, जो मूनलाइट है, वो कभी भी कठोर नहीं हो सकती, वो बहुत दयालु होती है। एंड दोज स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और वो सितारे हैं जो, वो भी कभी कठोर नहीं हो सकते, जो हमेशा ही चमकते ही रहते हैं। फॉर एवर मीन्स हमेशा। बी फ्रेंड विद द नाइट, इसलिए रात के दोस्त बन जाओ। There is nothing to fear, डरने वाली कोई बात नहीं है। Fear means डरना। Just let your thoughts travel to friends far and near. Thoughts होता है विचार। अपने विचारों में जो आपके फ्रेंड्स हैं, दूर रहते हैं या पास रहते हैं, उनको लेकर आओ। By day, it does seem that our troubles wouldn't cease. जो दिन का टाइम होता है, उस टाइम तो जो हमारी मुश्किलें हैं वही हमें घेरे रखती हैं। सीज मीन्स घेरे रखना। बट एट नाइट, लेकिन एक रात ही है, लेट एट नाइट, जब बहुत रात हो जाती है, द वर्ल्ड इज़ एट पीस, जी जो संसार है तब शांति में होता है। पीस मीन्स शांति, मीन्स कि जब रात होती है तो ये संसार सारा शांति में होता है। ठीक है, इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। उन्होंने हमें ये सुजेस्ट किया है कि हमें रात से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो धरती है वो सारा दिन घूम के थक जाती है, इसलिए उसको भी रेस्ट करनी होती है, उसको भी आराम करना होता है। और जो सूरज है वो कठोर हो सकता है, जो उसकी किरणें हैं ना वो कठोर हो सकती हैं, लेकिन रात में जो मूनलाइट की लाइट्स हैं वो कभी भी कठोर नहीं होती हैं। और जो स्टार हैं, जो शाइनिंग स्टार हैं, जो चमकते स्टार हैं, जी हमेशा ही ऐसे ही चमकते रहते हैं। इसलिए रात के दोस्त बन जाओ, रात में डरने वाली कोई बात नहीं होती है। और एक सिर्फ रात का ही ऐसा टाइम होता है जब हम अपने दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सारे दिन में हम तो मुश्किलों से ही घिरे रहते हैं। एक रात है जब बहुत रात हो जाती है, तो पूरा जो संसार है उसमें शांति होती है, मीन्स की पीस होती है। ठीक है, तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं।